नमस्कार, स्वागत है आपका बॉलीवुड स्नाइपर में। सोनू सूद पर लगा टैक्स चोरी का आरोप। बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद पर 20 करोड़ की आयकर चोरी का लगा है इल्ज़ाम। इन दिनों सुर्खियों में आए सोनू सूद ने सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हुए अपनी सफाई में क्या कहा, ये चलिए आपको बताते हैं। उन्होंने कहा, आपको हमेशा कहानी का अपना पक्ष बताने की ज़रूरत नहीं है, यह समय बताएगा। मैंने अपनी पूरी ताकत और दिल से भारत के लोगों की सेवा के लिए खुद को प्रतिबद्ध किया है। एक अनमोल जीवन बचाने और ज़रूरतमंदों तक पहुंचने के लिए मेरी नींव का एक एक रुपया अपनी बारी का इंतज़ार कर रहा है। इसके अलावा कई मौक़ों पर मैंने ब्रांडों को मानवीय कारणों से भी अपने एंडोर्समेंट फीस दान करने के लिए प्रोत्साहित किया है, जो हमें आगे बढ़ाता है। सोनू सूद ने आगे ये भी कहा, मैं कुछ मेहमानों की सेवा में व्यस्त था, इसलिए पिछले 4 दिनों से आपकी सेवा में नहीं आ पा रहा था। यहाँ मैं पूरी विनम्रता के साथ फिर से वापस आ गया हूँ आपकी विनम्र सेवा में जीवन भर के लिए। उन्होंने आखिर में कहा, कर भला हो भला, अंत भले का भला, मेरी यात्रा जारी है, जय हिंद। सोनू सूद पर चैरिटी ट्रस्ट पे विदेशी चंदा अधिनियम एक्ट के नियमों के उल्लंघन का भी आरोप लगा है। इसके अलावा सोनू सूद के मुंबई स्थित घर समेत नागपुर जयपुर में आयकर विभाग ने सर्च ऑपरेशन किया। बुधवार को सोनू सूद से जुड़ी 6 जगहों पर तलाशी भी की गई। अब आइए आपको सोनू सूद पर लगी वो 5 गंभीर आरोप के बारे में बताते हैं। सोनू सूद पर आरोप है कि उन्होंने 18 करोड़ 94 लाख रुपए का चंदा जमा किया है और केवल 1 करोड़ 9 लाख रुपए ही खर्च किए हैं। आईटी विभाग के अनुसार फर्जी लेन देन जून 2020 तक का है, जब सोनू सूद ने विभिन्न कोविड-19 से संबंधित राहत कार्यों के लिए एक धर्मार्थ फाउंडेशन को शामिल किया था। दूसरा आरोप ये है कि सोनू सूद ने विदेशों से भी चंदा बटोरा है। आयकर विभाग ने सोनू सूद पर आरोप लगाया है कि उन्होंने विदेशी संस्थाओं से भी 2 करोड़ 1 लाख रुपए की दान राशि ली है। इसमें विदेशी योगदान अधिनियम 2010 के उल्लंघन के आरोप लगे हैं। तीसरा आरोप है कि सोनू सूद ने जेवी इंफ्रा कंपनी के साथ हुए सौदे की फर्जी रसीद सामने रखी है। लखनऊ के बुनियादी ढांचा समूह जेवी इंफ्रा के साथ रियल एस्टेट परियोजना के साथ जुड़े कंपनी के बही खातों में कर चोरी और 65 करोड़ रुपए से ज्यादा की अनियमितता देखी गई है। जेवी इंफ्रा के ही जयपुर की दूसरी कंपनी के साथ भी 175 करोड़ रुपए का लेन देन सामने आया है। इसमें ज्यादातर मामलों में बेहिसाब नकद खर्च, कबाड़ की बिक्री और डिजिटल डेटा से बेहिसाब नकद लेन देन के सबूत भी मिले हैं। फर्जी संस्थाओं से फर्जी असुरक्षित ऋण के रूप में उनके आय को अलग तरफ दिशा दे रही है और उसमें 20 प्रविष्टियों के उपयोग का पता भी चला है। आईटी विभाग ने कहा, उन्होंने नकद के बदले चेक जारी करना स्वीकार किया है। कर की कुल राशि 20 करोड़ रुपए से अधिक बताई जा रही है। अब देखना ये है कि इस आरोप से कैसे उबर पाएंगे अभिनेता सोनू सूद। बॉलीवुड की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद।